नमस्कार मित्रों, दोस्तों, एक समय हुआ करता था जब हर लड़का तेरे नाम की सलमान खान की तरह हेयर कट करवा रहा था, पर वही हेयर कट अब मजाक बन के रह गया है। दोस्तों, इसी तरह हमेशा से फैशन की दुनिया बदलती रही है। समय के साथ हर एक ट्रेंड खत्म हो जाता है, लेकिन हम आपको कुछ ऐसे फैशन बताएंगे जो 90s में ट्रेंड हुए और कुछ दिनों के बाद बंद हो गए, लेकिन आज फिर से वो फैशन ट्रेंड बन गए हैं। हम आपको कुछ ऐसे ही फैशन बताएंगे जो आज फैशन का हिस्सा हैं। 80s और 90s के दशक में पैदा हुए लोग कई मायनों में काफ़ी खुशकिस्मत माने जाते हैं, क्योंकि इन लोगों ने इंटरनेट से लेकर मोबाइल फोन तक हर चीज़ को डेवलप होते अपनी आंखों के सामने देखा है। इसी तरह हमने कई फैशन ट्रेंड्स को भी बनते, आउट होते और फिर से वापस आते देखा है। तो चलिए देखते हैं 90s के उन ट्रेंड्स को। नंबर एक, बड़े और ढीले ढाले कपड़े। अगर आप 80 से 90 के दशक में एक भारतीय मिडिल क्लास परिवार में जन्मे थे, तो आपको आपके घर वालों ने 15 से 16 की उम्र तक हमेशा आपके साइज से बड़े और ढीले ढाले कपड़े ही पहनाए होंगे। इसके पीछे ज़्यादातर लोगों का एक ही उद्देश्य होता था कि बड़े कपड़े 2-3 साल तक आराम से चल जाएंगे और उसके बाद छोटे भाई बहनों के काम आएंगे। मगर उस वक्त जिन लोगों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, वही लोग आज जैरा, H&M और तमाम ऐसे ब्रांड्स को हजारों रुपए देकर ओवरसाइज टी शर्ट, जैकेट्स और शर्ट खरीद रहे हैं, क्योंकि आज ये बहुत ही कूल ट्रेंड बन गया है जिसे सेलिब्रिटी भी पहन रहे हैं। नंबर दो, चिपके बाल। दोस्तों, हमें नहीं याद कि बचपन में कभी भी हमारे बाल बिना तेल के रहे होंगे। मतलब संडे की सुबह बालों में शैम्पू होता था और शाम तक मम्मी ढेर सारा तेल लगा देती थी। उसके बाद फिर शादी हो या पार्टी, हमें तो ऐसे ही चिपकू बालों के साथ जाना पड़ता था। उस वक्त हमें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि हम भी सोचते थे कि कभी हम भी अपने बालों को फिल्मी हीरोइन जैसे फ्लॉन्ट कर सकें। मगर वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि अब फिल्म की हीरोइन खुद चिपकू बाल पहनकर घूम रही हैं, जिसे फैशन जगत में स्लीक हेयर के नाम से जाना जाता है। उन्हें देखकर लोग भी तरह तरह के हेयर प्रोडक्ट्स लगाकर स्लीक हेयर स्टाइल्स बना रहे हैं। पहले जो काम मम्मी बस नारियल या आंवले के तेल लगाकर कर देती थी, अब उसके लिए हम हजारों के हेयर प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। नंबर थ्री, दो चोटी। हमारे बचपन से जुड़ी कई चीज़ों की तरह दो चोटियाँ भी हैं, हमारे बचपन का बहुत अहम हिस्सा रही हैं। ये उन दिनों में हमारी सिग्नेचर हेयर स्टाइल हुआ करती थी। फिर चाहे किसी भी बर्थडे पार्टी में जाना हो या फिर किसी की शादी में, मम्मी हर जगह दो चोटी बनाकर ही ले जाती थी, और हम में से ज़्यादा तो लोगों को ये पसंद नहीं आता था। मगर अब देखिए, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज वेस्टर्न वेयर से लेकर इंडियन वेयर तक हर तरह के आउटफिट्स के साथ चोटी को कैरी कर रहे हैं। नंबर चार, हाई वेस्ट पैंट्स। दोस्तों, 90 और 2000 के दशक तक लो वेस्ट ट्राउजर्स और पैंट्स का दौर था। हालांकि अगर आप उससे थोड़ा पीछे जाते तो आपको याद आएगा कि उस वक्त लोग सिर्फ हाई वेस्ट पैंट ही पहनते थे, फिर चाहे वो आदमी हो या औरत। उस दौर में भले ही काफ़ी ट्रेंडी था, लेकिन टीनेजर्स और यंग एडल्ट्स को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मगर अब आप जिधर देखेंगे उधर सिर्फ और सिर्फ हाई वेस्ट बॉटम्स ही पाएंगे। अब तो शायद ज़्यादातर ब्रांड्स लो वेस्ट पैंट्स रखते भी नहीं हैं। नंबर फाइव, स्नीकर्स। एक और चीज़ जो हमें अपने बचपन में बहुत ज़्यादा खटकती थी, वो ये कि हमारे पास फुटवेयर के बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं हुआ करते थे। दो से ज़्यादा फुटवेयर होना तो लग्जरी मानी जाती थी। इनमें एक होते थे बदसूरत से फ्लोटर सैंडल और दूसरे स्नीकर्स, जिन्हें उन दिनों में हम स्पोर्ट्स शूज भी कहा करते थे। ज़्यादातर कपड़ों के साथ यही स्पोर्ट्स शूज पहना दिए जाते थे, जो हमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। अब स्नीकर्स की फैन फॉलोइंग का ये आलम है कि सेलिब्रिटी भी साड़ी से लेकर लहंगों तक, हर स्कर्ट से लेकर ड्रेसेस और हर आउटफिट के साथ इन्हें पहन रहे हैं। नंबर सिक्स, ढीले सूट। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि 80 और 90 के दशक में फिटिंग के कपड़े पहनने का कोई भी चलन नहीं था, कम से कम मिडिल क्लास परिवारों में तो बिल्कुल भी नहीं। और ये लॉजिक सिर्फ वेस्टर्न आउटफिट पर ही नहीं, एथनिक आउटफिट्स पर भी लागू होता था। आज आप जिस तरह अपनी सूट की परफेक्ट फिटिंग के लिए अपने टेलर की जान के पीछे पड़ जाते हैं, वो सब पहले नहीं होता था,
क्योंकि तब बाकी कपड़ों की तरह सूट भी ढीले ढाले ही हुआ करते थे। अगर आप पिछले कुछ सालों में सेलिब्रिटीज के एथनिक सूट लुक्स पर गौर करेंगी तो पाएंगे कि लूज फिटिंग्स वाले सूट्स बहुत ही ट्रेंड में हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप हमें बताइए इनमें से आपका फेवरेट ट्रेंड कौन सा रहा है, तो हमें कमेंट कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक। हम मिलते हैं आपको ऐसी ही एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।